रियल एस्टेट की इमर्जिंग मार्केट के अंदर पाकिस्तान में हर लोगों की ख्वाहिश होती है कि जिसके अंदर कुछ बाई किया जाए, लाइक अगर कोई कमर्शियल प्लॉट हो या कोई रेजिडेंशियल प्लॉट हो या फिर रेजिडेंशियल घर हो, हर बंदी की कोशिश होती है कि कम से कम बजट के अंदर या जितना भी उनके पास कैपेसिटी है उसके अंदर जो है वो बाइंग की जाए। लेकिन अक्सर औकात लोग इसकी बाइंग के प्रोसेस के अंदर कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसके ऊपर बाद में उनको नुकसान उठाना पड़ता है। आज इस वीडियो के अंदर हम यही पॉइंट्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो इमर्जिंग मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बेटर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज जुनैद मलिक फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से हमेशा से ये कोशिश की गई है कि हम अपने व्यूअर्स को, अपने बायर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को और अपने जो एंड यूज़र्स हैं जो कि हमसे या हमसे मशवरा लेते हैं ख़ास तौर पर प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जहाँ पर उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उनको एक फेयर जो है ओपिनियन के साथ राय दे सकें और उसके साथ जिसमें उनको फ्यूचर के अंदर फायदा हो सके। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे 10 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपको क्या नहीं करना चाहिए, यानी आपको उन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए वाइल इन्वेस्टिंग इन अ प्रॉपर्टी और इन रियल इस्टेट। सबसे पहले जो पॉइंट इसके अंदर है वो है नॉट हैविंग अ क्लियर रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अगर आप इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें तो आप एक चीज़ को मद्देनजर रखें कि आप जहाँ पे भी बाइंग करने जा रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपने अपने फंड्स की अवेलेबिलिटी को चेक करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ऐसी चीज़ बाय कर रहे हैं जिसके अंदर जो कि इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर बेस कर रही है, तो आपने अपने एक्सपेंसिस को मैनेज करते हुए उस चीज़ का मद्देनजर रखना है कि कल को आप इसको बेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ऐसी सोसाइटी में प्लॉट लेते हैं जो कि आपकी जो इनकम है उससे थोड़ा सा बाहर है, बट आपको ये नज़र आ रहा है कि इसकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आप इसको कवर अप कर लेंगे, बट मिसकैलकुलेशन की वजह से आप उसके अंदर कल को स्टक हो सकते हैं। इमर्जिंग मार्केट है, कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर, तो आप फॉर एग्जांपल किसी भी जगह पे स्टक हो जाते हैं, तो इसको ये मद्देनज़र रखना लाजमी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी या फिर जो आपके पास फंड्स हैं उसके अंदर स्ट्रेटजी आपकी क्या हो सकती है। सेकंड पॉइंट इसके अंदर है जिसमें अंडर एस्टिमेटिंग करना ऑपरेटिंग एक्सपेंस को। फॉर एग्जांपल, आप एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑन करते हैं या ऑन करना चाहते हैं, जैसे एक घर है, 5 मरले का घर है, 10 मरले का घर है, 1 कनाल का घर है, आप उसको डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मार्केट के लिहाज से आपने मार्केट प्राइस के मुताबिक तो उसको परचेज कर लिया, लेकिन आपका एस्टिमेशन रॉन्ग हो गया। फॉर एग्जांपल, अगर आपको उसको रेनोवेट करना है या आपने किसी जगह के हिसाब से आपने उसको बाय किया और आपने एक एक्सपेंस की कैलकुलेशन की थी, मिसाल के तौर पे आपने 1 लाख रुपए एक्सपेंस की कैलकुलेशन की थी, लेकिन जब आपने उसका काम शुरू करवाया या उसको रेनोवेट करना शुरू किया तो वो पहुंच चुकी है 5 लाख पे, तो ये एक काफ़ी सीरियस पॉइंट है जिसके अंदर आपको इस चीज़ में मद्देनजर रखना चाहिए ये पॉइंट कि आपने इसे अवॉइड करना है कि जहाँ पर आप उसको अंडर एस्टिमेट कर लें। थर्ड पॉइंट इसके अंदर है नॉट डूइंग योर प्रॉपर रिसर्च। रिसर्च इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की इन इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। फॉर एग्जांपल, आप अगर नोटिस करें कि आपने एक किसी मिसाल के तौर पे आपने रिसर्च नहीं की, आप एक ऐसी सोसाइटी या ऐसे कमर्शियल प्रोजेक्ट या किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में आपको नहीं पता। फॉर एग्जांपल, आपको उसके डेवलपर्स का नॉलेज होना चाहिए, उन्होंने पहले क्या डिलीवर किया उसका नॉलेज होना चाहिए, फ्यूचर के अंदर वो कितने टाइम के अंदर डिलीवर करेंगे उसका नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारी कैलकुलेशन करके ही आपको अपनी रिसर्च प्रॉपर करके, डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट रिसोर्सेज से रिसर्च कंप्लीट करके ही आपको किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इसके अंदर ये है कि इन्वेस्टिंग योर मनी इन ओनली वन प्रॉपर्टी। नॉर्मली लोग अक्सर औकात ये गलती कर जाते हैं क्योंकि अगर आप एक एज एन इन्वेस्टर हैं फॉर एग्जांपल, तो आपने फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फंड्स जो हैं वो तकरीबन 1 करोड़ के लगभग हैं, तो आप उसको एक ही जगह पर इन्वेस्ट कर लेते हैं कि ये सोच के कि आपको इसके फ्यूचर के अंदर एक अच्छा गेन हो जाएगा। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि आप उसके अंदर आपकी वो जो अमाउंट है वो स्टक हो जाती है, वजह से इसके कि आप अगर किसी 1 करोड़ की किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करें, अगर आप वो अपनी अमाउंट सेग्रीगेटेड
आप फॉर एग्जांपल उस पोटेंशियल जगह पे ना करें, आप दूसरी पोटेंशियल जगह जिसमें आपको कम अमाउंट जो है वो रिक्वायर्ड है, आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके इसको बाइफरकेट करके तो अपनी इन्वेस्टमेंट करें, ताकि फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ डाउन जाती भी है या एक चीज़ ब्रेक इवन के अंदर है जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो सेकेंड जो थिंग है उसके अंदर से आपको इतना प्रॉफिट हो जाए कि वो चीज़ें लेवल पर आ जाए। फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर है कि गोइंग फॉर अ क्विक प्रॉफिट। नॉर्मली लोग ये गलती करते हैं कि अगर आपका एक अच्छा सौदा आपने ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने एक अच्छी प्रॉपर्टी बाय कर ली है और बड़े कम पैसों के अंदर बाय कर ली है, मिसाल देता हूँ आपको कि आपने अभी ये बाइंग की है और उसकी अभी टोकन मनी या जो उसके अंदर बयाना है फॉर एग्जांपल वो दिया है, तो आपने मिसाल के तौर पे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी और आपको देर एंड देन उसकी यानी विद इन फ्यू डेज के अंदर ये ऑफर आ जाती है 1.5 करोड़ की। अब नॉर्मली आपको अगर 5 लाख का प्रॉफिट नज़र आ रहा है तो एज एन इन्वेस्टर आप ये बिल्कुल सोचेंगे, ये एक एक इंसान की एक सेंस है कि आप फौरी तौर पे इसके ऊपर जो है वो रिएक्ट करेंगे कि आपको वो ऑप्शन जो है वो अवेल करनी नहीं चाहिए। लेकिन असल में आपको मार्केट की रिसर्च के साथ, जिसे मैंने अपने प्रीवियस पॉइंट में भी बताया कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको देर एंड देन आपने एक अच्छी चीज़ बाय की और आपको देर एंड देन उसमें 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, और आप इसको अगर थोड़ा सा और होल्ड करें तो वो आपका 5 का 25 लाख भी बन सकता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको फौरी तौर पर इसको सेल आउट करना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉफिट में थी जो आपने लेस प्राइस के ऊपर बाय की, और उसके बाद आप उसके उस प्रॉफिट का वेट करें, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट के अंदर एक पॉइंट होता है जिसको आप होल्डिंग पावर कहते हैं। तो आपको अपनी होल्डिंग पावर या पेशेंस के साथ रिक्वायरमेंट है आपकी, तो आपने उसको होल्ड करना है ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो गेन हो सके। सिक्स्थ पॉइंट इसके अंदर है कि ओवरलुकिंग द फ्यूचर प्रस्पेक्टिव। फॉर एग्जांपल आप फ्यूचर इनिशिएटिव तौर पे अगर आप देखें, आपने एक चीज़ को बाय किया है, आप फ्यूचर प्रस्पेक्टिव को अगर आप ओवरलुक कर देते हैं, मिसाल के तौर पर आपने एक ऐसी जगह के ऊपर बाइंग कर ली है जिसके अंदर फ्यूचर में अभी उसके अंदर एज सच कोई जो है डेवलपमेंट या किसी ऐसे प्रोजेक्ट में की है जिसमें कोई ऐसे डेवलपमेंट जो है नहीं हो रही, तो वो आपको भी लॉस दे सकता है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा, लाहौर के अंदर एक सोसाइटी है सुई गैस फेज 2, ये एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, यहाँ पे अराउंड जो है आपको 33 से लेके 38 लाख के करीब आपको 1 करोड़ का प्लॉट मिल जाता है। लेकिन नॉर्मली लोग सोचते हैं कि इतनी कम प्राइस के अंदर इतनी अच्छी लोकेशन के ऊपर, चूंकि मेन कनाल रोड के ऊपर वाक़ है, तो आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप उसके फ्यूचर परस्पेक्टिव से देखिए कि क्योंकि ना तो सोसाइटी के पास उसको डेवलप करने के लिए कोई फंड्स अवेलेबल हैं, और ये ऑलरेडी पिछले 10 से 15 साल से ये ऐसे ही जो है वो यानी इसमें कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, तो फ्यूचर परस्पेक्टिव को आपने लाजमी इस चीज़ में कंसिडर करना है कि आपके आने वाले टाइम में बेशक आप इसके अंदर कम पैसे इन्वेस्ट करें, लेकिन कल को आपके ये इन्वेस्टमेंट भी सेफ है या नहीं। सेवन्थ पॉइंट इसके अंदर है कि पेइंग टू मच फॉर अ प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है, मैं आपको एक जनरल मिसाल दूंगा कि लाहौर स्मार्ट सिटी, लाहौर के नज़दीक जो काला शाह कुकू मेन इंटरचेंज के पास ये प्रोजेक्ट आया था, जब स्टार्ट के अंदर आया था तो इसमें लोगों को रिलक्टेंट थे, हालांकि लोगों ने बाइंग इसके अंदर अच्छी की, ये इस टाइम पे प्रॉफिट के ऊपर ही है, लेकिन इस टाइम पे इस पर एक एबनॉर्मल किस्म का ऑन चल चुका हुआ। मैं आपको मिसाल इस तरह से दूंगा कि अगर आप उसके कमर्शियल की बात करें, जो 4 मरला कमर्शियल है, वो अपनी प्राइस से ऊपर जा चुका हुआ है, उसका ऑन इस टाइम पे उस पर 45 से 50 लाख के करीब ऑन चला गया हुआ है। मेरे नज़दीक ये नॉर्मल है, जब तक वहाँ पे कोई ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी या रेजिडेंस नहीं आती है तो आप ये बिल्कुल भी इसके अंदर यानी एनालिसिस नहीं कर सकते कि फ्यूचर में ये क्या इसकी एक्चुअल वैल्यू इतनी होगी जो इस टाइम पे आपको कॉस्ट कर रही है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। इन सारे पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए जो 8th पॉइंट है हमारा, वो नॉट हैविंग अ प्लान बी। आपने प्रॉपर्टी बाय कर लिया, आपने रिसर्च कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, किसी भी हवाले से कोई भी ऊपर नीचे चीज़ हो जाती है तो हमेशा आपके पास एक बैकअप प्लान ज़रूर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक आपने अपने एक ऐसी जगह के ऊपर इन्वेस्ट कर लिया, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक 10 लाख रुपए थे, मैंने 5 लाख रुपए किसी, ये तमाम पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए मैंने एक जगह पर इन्वेस्ट कर लिए 5 लाख रुपीज़, बट मुझे वो 5 लाख रुपीज़ जो मेरे पास रिमेनिंग है जो मैंने बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिए ही रखे हुए थे, तो मैं उस चीज़ को होल्डिंग के तौर पे अपने पास ही रखूँगा। खुदा ना खास्ता अगर कोई भी चीज़ इन पॉइंट में से कोई भी चीज़ निगेट हो जाती है या कोई नेगेटिव पॉइंट में चली जाती है, तो मेरे पास एटलीस्ट एज अ बैकअप के तौर पे वो अमाउंट मौजूद रहनी चाहिए, या कोई ऐसा मेरे पास बैकअप प्लान होना चाहिए कि जिससे मैं सेफ रह सकूँ। 9th पॉइंट इसके अंदर है ट्रस्टिंग जस्ट एनीवन।
आपने किसी से भी मशवरा किया, आपको उसकी बात दिल को पसंद आ गई और आपने उसके अंदर इन्वेस्ट कर लिया या आपने उसके कहने के ऊपर बाइंग कर ली, ऐसा मत करें। फॉर एग्जांपल, आपको जिस तरह मैंने अपने प्रीवियस पॉइंट्स में बताया कि डू योर रिसर्च फर्स्ट, अगर आपको चीज़ अच्छी भी लग रही है तो फिर एक सेकेंड या थर्ड ओपिनियन ज़रूर लें इस हवाले से, ताकि आपको एक बेटर मशवरा मिले और आप फिर बेटर इन्वेस्टमेंट के तौर पर, क्योंकि देखें आपकी ये हार्ड अर्न मनी है। अब आपके पास कोई इतना पैसा तो है नहीं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लिमिटेड फंड्स हैं तो आपको अपनी उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने सिर्फ एक ही के मशवरे के ऊपर अमल करते हुए, सिर्फ आपका दिल कह रहा है तो आपने इसके ऊपर नहीं करना, क्योंकि दिमाग को आपने हाजिर नज़र रख कर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, क्योंकि जाहिर बात है इसमें पैसा इन्वॉल्व है तो पैसे के साथ रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा जो 10th पॉइंट है वो फेलिंग टू सीक द प्रोफेशनल एडवाइस। यहाँ पे हम जैसे लोगों की सर्विसेज जो हैं वो काम आती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी रिसर्च भी कर ली, आपने इन्वेस्टमेंट का प्लान भी कर लिया, आपने अपने फंड्स अरेंज भी कर लिए, बट स्टिल यू थिंक दैट यू आर द प्रोफेशनल, बट यहीं पे आप लैग करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो रियल इस्टेट के अंदर टाइकून्स बैठे हुए हैं या रियल इस्टेट मार्केट के अंदर एजेंट्स हैं या एजेंसीज हैं या ख़ासतौर पे जो एक इमर्जिंग ग्रुप्स हैं जो कि इस चीज़ के अंदर आपको बेहतर गाइड करते हैं, ख़ासतौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज जो हैं उनको यहाँ पे बेशक नॉलेज, क्योंकि उनके पास तो सारा डाटा जो है वो कलेक्ट होता है या तो बात करके या फिर इंटरनेट से वो डाटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन रियल टाइम पिक्चर जो है वो उनको ऑन ग्राउंड रियलिटी का अक्सर औकात नहीं पता होता। उसके अंदर जो है प्रोफेशनल्स काम आते हैं, जो आपको लाइव विजिट्स भी करवाते हैं, आपको लाइव जो है उसकी हकीकत बताते हैं, प्रोजेक्ट की बैकग्राउंड क्या है, प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या है, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में आपको जो है वो नो हाउ प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे अक्सर औकात लोग अपना लैग इसलिए कर जाते हैं क्योंकि वो प्रोफेशनल एडवाइस को सीख नहीं करते, वो डायरेक्ट, फॉर एग्जाम्पल आप अगर बाहर के मुल्क में बैठे हुए आपने सोसाइटी को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया, सोसाइटी ऑब्वियसली सोसाइटी तो आपको अपनी एक अच्छी पॉजिटिव इम्पैक्ट देगी तो आपने उस पर डायरेक्ट जो है वो बाइंग कर ली, लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल से एडवाइस लेते तो वो आपको बेहतर गाइड कर सकता है कि यहाँ पे इस टाइम पे फ्यूचर का क्या परस्पेक्टिव है, क्या उनके, अगर आप किसी सोसाइटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या उसके अंदर उनके NOCs अप्रूव्ड हैं, ये डेवलपर्स का पिछला रिकॉर्ड क्या है, अगर आपको नहीं नॉलेज है तो वो प्रोफेशनल्स आपको बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो हैं ये मद्देनज़र रखने वाली हैं कि जो आपको अवॉइड करनी चाहिए बिफोर बाइंग एन इन रियल एस्टेट और इन अ प्रॉपर्टी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो हमारी वीडियो इस प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड की गई है ये आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो मज़ीद कुछ जानने के लिए या किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन रियल इस्टेट से रिलेटेड आप जानने के लिए मेरे स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप और ईमेल के ऊपर मैं अपने ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए भी अवेलेबल रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।